न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नैक मूल्यांकन में गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिली नैक की 8++ रैंक। सीएम योगी ने दी बधाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय को 8++ ग्रेड मिलने पर गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट पर अध्यापकों व छात्रों द्वारा कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह का माल्यार्पण कर किया गया भव्य स्वागत। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय को 8++ ग्रेड मिलने से मिलेगी तमाम तरह की सुविधाएं। शातिर अपराधी भोला यादव उर्फ अखिलेश यादव की 50 लाख रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत पीपीगंज थाने की पुलिस ने कुर्क कर किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। मजदूर व सब्जी विक्रेता बनकर क्षेत्र में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को बड़हलगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 26 मोबाइल फोन, 1 सोने की अंगूठी, 4,750 रुपए नकद किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। विद्यालयों के सफल संचालन हेतु मंडल स्तर पर गठित मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक मंडल रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में साकुशल हुआ संपन्न। कहा, सहजनवा ब्लॉक में नवोदय की तर्ज पर सीबीएसई पैटर्न पर अटल आवासीय विद्यालय का हो रहा है निर्माण। कोरोना काल में मृत श्रमिकों के अनाथ बच्चों को दिया जाएगा दाखिला, मिलेगी अच्छी शिक्षा। के आरोप में वांछित अभियुक्त अर्जुन निषाद को बेलीपार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। गोरखपुर महोत्सव में चल रहे 7 दिवसीय शिल्प मेले का मंगलवार को हुआ समापन। दुकानदारों ने बताया, हर साल की तरह इस बार बिक्री में मिला अच्छा रिस्पांस। डीडीएवीसी महेंद्र सिंह तंवर ने सभी गोरखपुर वासियों को व्यक्त किया धन्यवाद। कहा, गोरखपुर महोत्सव 2023 हुआ है सबसे बढ़िया। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की लंबी लगी रही लाइन। श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को चढ़ाया खिचड़ी। कहा, खिचड़ी चढ़ाने से गुरु गोरखनाथ पूरी करते हैं मनोकामना। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मंगलवार तक 62 लाख की हो चुकी है बिक्री। खादी कपड़ों की हो रही है बिक्री, मिल रहा है खादी को बढ़ावा। गोरखपुर महोत्सव में चल रहे पुस्तक मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, पूरे गोरखपुर वासियों ने अपने परिवार के साथ महोत्सव का लिया आनंद। मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर चल रहे खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की मेला घूमने की लगी रही भीड़। मेले में लगे विभिन्न तरह के झूलों, जरूरत के सामान, खाने के सामान की खरीदारी करते नजर आए श्रद्धालु। और लगातार शीतलहर और कोहरे के बाद मंगलवार को निकली कड़ाके की धूप से आम जनमानस को मिली राहत। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, अभी भी ठंड का टेम्परेचर है डाउन, जिससे तबीयत खराब होने की बनी रहती है संभावना। ऊनी कपड़ा पहनकर ही निकले बाहर और रखे अपनी सेहत का ध्यान। अब खबरें विस्तार से। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में ग्रेड 8++ की रैंकिंग प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय परिवार और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड क्रेडिटेशन काउंसिल नैक के मूल्यांकन में 8++ रैंक मिली है। मंगलवार को नैक की तरफ से भेजे गए मेल में विश्वविद्यालय को यह जानकारी दी गई। राज्य विश्वविद्यालय में अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय को अधिकतम A++ ग्रेड मिली है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नैक की टीम की फील्ड विजिट के दौरान इवैल्यूएशन किया गया था। इस दौरान नैक की तरफ से 6 सदस्यीय टीम ने विश्वविद्यालय में गहनता से तमाम पहलुओं को परखा था। आज नैक की तरफ से फाइनल ग्रेडिंग जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पावन श्री गोरक्षपीठ के आशीर्वाद से ज्ञान की यह बगिया गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही समूचे पूर्वांचल को गुणवत्ता परक शिक्षा और उत्कृष्ट संस्कारों के आलोक से
प्रदीप्य कर रही है। यह उपलब्धि हम सभी के लिए गर्व का विषय है। राज्यपाल व कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय ऐसे ही गुणवत्ता के नित नए प्रतिमान स्थापित करे, यही कामना है। वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड मिलने पर विश्वविद्यालय गेट पर अध्यापकों और छात्रों द्वारा कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिलने पर सभी अध्यापकों का छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह कार्य विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कुल सचिव, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर के कारण ही संभव हो पाया है। A++ ग्रेड मिलने से विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट जल्द क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा पहला कदम है, अभी हम लोग और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, ये सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। ये सारी टीम एफर्ट है, ये सब टीम ने मिलकर किया है। सारे क्राइटेरिया कोऑर्डिनेटर को बधाई, क्राइटेरिया मेंबर्स को बधाई, IQAC के डायरेक्टर को बधाई,
और हमारे रजिस्ट्रार को बधाई, हमारे फाइनेंस अफसर को बधाई। बहुत फ़ायदा है। अब आज विश्वविद्यालय जैसे कोई डिपार्टमेंट ये लिख के भेजता है कि हमारा A++ है, चाहे DST हो, चाहे UGC हो, चाहे HRD हो, फट से उसका प्रोजेक्ट क्लियर होगा। और बहुत सारी अरेंज ग्रांट्स हैं जो हमें मिलने जा रही है, तो उसको हम लोग मिलेंगे। ये पहला कदम है, अभी दूर तक जाना है। पीपीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पीपीगंज थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों की संपत्ति को कुर्क किया है, जिनकी पहचान भोला यादव उर्फ अखिलेश यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव निवासी भिठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर हाल पता वार्ड नंबर 4 कस्बा पीपीगंज थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसकी एक JCB, चार पहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, जिसको जिलाधिकारी के निर्देश पर कुर्क किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, गोरखपुर द्वारा अपराध एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पीपीगंज पुलिस द्वारा आज संगठित माफिया और गैंगस्टर भोला यादव की लगभग 50 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया। उक्त संपत्ति में एक JCB वाहन, एक स्कॉर्पियो वाहन व एक बुलेट मोटरसाइकिल शामिल है। उक्त अपराध द्वारा अर्जित की गई संपत्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश के उपरांत तहसीलदार व थानाध्यक्ष की उपस्थिति में सीज की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त भोला यादव के विरुद्ध 44 मुकदमे हैं और वो एक हिस्ट्रीशीटर है थाना पीपीगंज। बड़हलगंज थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान फेकन मंडल पुत्र बीचन मंडल निवासी महाराजपुर नया टोला थाना तालझाड़ी जनपद साहेबगंज झारखंड, दूसरा करण कुमार मंडल पुत्र शंभु मंडल निवासी मस्कलैया थाना तालझाड़ी जनपद साहेबगंज झारखंड के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 26 मोबाइल फोन, 4,750 रुपए नगद व एक सोने की अंगूठी को बरामद किया गया है। SP साउथ ने बताया कि वादी शिवम तिवारी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि दिनांक 5 दिसंबर को दिन में करीब 1:30 बजे मेरी चाची जो अपने मायके से बड़हलगंज टेम्पो से आ रही थी कि 3 अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी चाची का हैंडबैग जिसमें सोने का चेन व सोने का टप्स व 1500 रुपया था उसको चुरा कर फरार हो गए। मेरे द्वारा काफी खोजा गया किंतु उन लोगों का पता नहीं चल पाया, जिसके आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा वादी इंद्रेश कुमार पांडे द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 21 नवम्बर दिन सोमवार 2:30 बजे से 3 बजे के बीच अम्बेडकर चौराहा रोडवेज बड़हलगंज पर मेरी चाची बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक युवक इनके पास आया और इनसे बातचीत कर अपने रुपए का पोटली इनके बैग में डाल दिया, जिसमें रुपया था या नहीं, पर इसका विरोध करने के बावजूद वह इनको बहला फुसला कर कि मैं अपना रुपया आपके बैग में रख रहा हूं और आप अपना जेवर भी अपने बैग में डाल दीजिए ताकि सब सुरक्षित हो जाए। उसने इनका एक चैन और 2 अंगूठी निकलवा कर बैग में डलवा दिया और इसी बीच इनका ध्यान भटका कर इनका सामान चुरा लिया और बैग में सामान को सुरक्षित दिखाते हुए अपना ताला मार दिया, जिसका इनको पता नहीं चल पाया और चाबी लेकर इनको ऑटो से पटना चौराहा भेज दिया। चाची जी के चाबी मांगने पर चाबी नहीं दिया और चला गया। यह शादी में आजमगढ़ जा रही थी, वहां जाकर ताला काटा गया तो बैग में इनका सामान नहीं था, जिसके पश्चात इनको उसके ठगी से चोरी करने का पता चला, जिसके आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बड़हलगंज के वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक रविशेन यादव, कांस्टेबल अनिल यादव, अवधेश यादव, संदीप चौहान, प्रिंस यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा,
आज थाना बढ़लगंज पुलिस को दो सातिर चोर जो झारखंड के रहने वाले हैं और मजदूर या सब्जी के विक्रेता के रूप में घूम फिर के रहते हैं, मऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर के बढ़लगंज के आसपास के इलाकों में ये या तो लोगों के मोबाइल धीरे से चुरा लेते हैं अथवा भोली भाली महिलाएं अगर इन्हें मिल गई तो उन्हें ठगी का शिकार बना लेते हैं। पुलिस की पतारसी सुरागरसी के दौरान पता चला कि दो बाहरी लोग जो झारखंड के रहने वाले हैं और वो इस समय बढ़लगंज क्षेत्र में कस्बे में हैं। इस सूचना पर पुलिस ने जब घेराबंदी की तो इनके पास से चोरी के मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ में जब इनसे गहराई से छानबीन की गई तो दो घटनाएं और इन्होंने कबूला जिसमें इन्होंने महिलाओं को भी ठगी का शिकार किया था और इनसे 26 चोरी के मोबाइल बरामद हुए। मोबाइल फोन इनके हिसाब से ये लेकर के झारखंड या बंगाल किसी को देते, लेकिन आगे का सूत्र अभी ये जोड़ नहीं पाए हैं। बीच में ही इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इतने सातिर हैं कि अपना नेटवर्क आगे नहीं बता रहे। मोबाइल की घटनाओं में इनको याद ही नहीं कि कहां कहां से इन्होंने मोबाइल लिया। कुछ मोबाइल लाठघाट से लिए गए हैं, दोहरी घाट से लिए गए हैं, आजमगढ़ से लिए गए, शहर से। इन सारे मोबाइल्स की IMI रन करा करके आगे विवेचना में पता किया जाएगा कि इन्होंने कहां कहां किसकी किसकी मोबाइल चोरी की है। फिलहाल विधि के अनुरूप 24 घंटे के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अपेक्षा में इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आवश्यकता यदि होगी तो इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड भी ली जाएगी। ये सारे मोबाइल एक फोन छोड़ करके बाकी सभी एंड्रॉयड फोन हैं, तो अगर इनकी कीमत आप ये माने कि 10,000, 15,000, 20,000 की सभी सारे के सारे मोबाइल हैं, तो अगर इस हिसाब से हम 10,000 भी कीमत आंकें तो लगभग 2.5 लाख रुपए के मोबाइल हैं। अब इनका ये कहना है कि ये ले जा करके किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं। वो व्यक्ति किसी अन्य से जुड़ा हुआ है जिसको इनके हिसाब से वो बंगाल का है, फिर वो उनकी मार्केट में बिक्री करता है। इनको कितनी कीमत मिलती है? अब इनको इनके हिसाब से कि इनके अपने जो घरेलू काम की आवश्यकताएं हैं इनके घर पे, उसमें वो जो इनका अगला मास्टरमाइंड है वो इनकी मदद कर देता है। और इनका कहना है कि कुछ इसमें से एक तो ऐसा है जो कहता है कि हम अपने परिवार में, उसकी माँ बीमार है, उसकी बीमारी के लिए भी इस धंधे में आए। अब इनके बताने के हिसाब से इनसे अभी जो मैंने कहा 26 तो बरामद है, लेकिन इनका कहना है कि इससे पहले इससे ज्यादा ही वो वहाँ भेज चुके हैं। मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में विद्यालयों के सफल संचालन हेतु मंडल स्तर पर गठित मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत एक वर्ष पूर्व से बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं ऐसे अनाथ बच्चे जिनके अभिभावकों की कोरोना काल खंज में मृत्यु हो गई है उनको गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने हेतु ग्राम पिपरा विकास खंड सहजनवा गोरखपुर में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वह विद्यालय नवोदय विद्यालय के तर्ज पर CBSE पैटर्न पर आधारित है जिसका शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस अवसर पर उप समायुक्त अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि विद्यालय में कक्षा 6 के लिए 80 बच्चों के प्रवेश हेतु मंडल स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें केवल वही बच्चे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिनका जन्म दिनांक 1 मई 2012 से 30 अप्रैल 2013 के मध्य हुआ हो तथा उनके माता पिता के पंजीयन को बोर्ड में 365 दिन पूर्ण हो चुका हो
प्रवेश परीक्षा हेतु जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद गोरखपुर हेतु 12, देवरिया हेतु 7, महाराजगंज हेतु 12 एवं कुशीनगर हेतु 11 विद्यालयों का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त कृष्ण कांत यादव, ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग योगेंद्र नाथ सिंह, नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश चंद्रा, बेसिक शिक्षा अधिकारी आर के सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ईश्वर चंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। किसको वहाँ है खाली हम लोगों ने सब बरामदे को घेर के कमरा बनाया सर, 2-3 कमरे बरामदे को ही। बट यहाँ कमरा है तो देने में क्या दिक्कत है सर? वो ऐसा है कि मतलब कि उनके पास जो कमरे हैं वो इवन सर हम लोग व्हीकल खड़ी करते हैं सर, उसको भी घेर लेते हैं। मतलब जैसे पट्टीदारी वाला था सिस्टम है। आप जब गए थे सर तो बाहर गमले लगे हुए थे, पाइप लगी हुई थी। देखो हम लोग नोट कर लो बड़ी क्लिनिक के सामने बुला लो, अगर जगह है तो दे दे। बेलीपार थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अर्जुन निषाद पुत्र भोला निषाद निवासी जुड़ापुर थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज था, जो कि वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में बेलीपार थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक सतपाल सिंह, कांस्टेबल श्याम सुंदर, राहुल यादव, जयप्रकाश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, क्षेत्र में पिछले साल दिसंबर में, साल बीतते समय लगभग हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी गई थी। उसके सभी मुलजिम अकाउंट फायर हो गए थे। एक मुलजिम अरविंद निषाद अभी गिरफ्तारी को शेष था। आज बेलीपार पुलिस ने उसकी भी गिरफ्तारी कर ली है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अपरीक्षा में उसे जेल भेजा जाएगा। इस तरह से इस घटना में नामजद सारे अभियुक्त अकाउंट फायर हो चुके हैं। आगे साक्ष्य के क्रम में इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करते हुए आवश्यकता अनुसार गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जाएगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नैक मूल्यांकन में गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिले नैक की 8++ रैंक, सीएम योगी ने दी बधाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय को 8++ ग्रेड मिलने पर गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट पर अध्यापकों व छात्रों द्वारा कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह का माल्यार्पण कर किया गया भव्य स्वागत। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय को 8++ ग्रेड मिलने से मिलेगी तमाम तरह की सुविधाएं। शातिर अपराधी भोला यादव उर्फ अखिलेश यादव की 50 लाख रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत पीपीगंज थाने की पुलिस ने कुर्क कर किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। मजदूर व सब्जी विक्रेता बनकर क्षेत्र में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को बड़हलगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 26 मोबाइल फोन, 1 सोने की अंगूठी, 4,750 रुपए नकद किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। विद्यालयों के सफल संचालन हेतु मंडल स्तर पर गठित मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक मंडल रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में साकुशल हुआ संपन्न। कहा, सहजनवा ब्लॉक में नवोदय की तर्ज पर सीबीएसई पैटर्न पर अटल आवासीय विद्यालय का हो रहा है निर्माण। कोरोना काल में मृत श्रमिकों के अनाथ बच्चों को दिया जाएगा दाखिला, मिलेगी अच्छी शिक्षा। हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त अर्जुन निषाद को बेलीपार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। गोरखपुर महोत्सव में चल रहे 7 दिवसीय शिल्प मेले का मंगलवार को हुआ समापन। दुकानदारों ने बताया, हर साल की तरह इस बार बिक्री में मिला अच्छा रिस्पांस। डीडीए वीसी महेंद्र सिंह तंवर ने सभी गोरखपुर वासियों को व्यक्त किया धन्यवाद। कहा, गोरखपुर महोत्सव 2023 हुआ है सबसे बढ़िया।
को गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की लंबी लगी रही लाइन। श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को चढ़ाया खिचड़ी। कहा, खिचड़ी चढ़ाने से गुरु गोरखनाथ पूरी करते हैं मनोकामना। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मंगलवार तक 62 लाख की हो चुकी है बिक्री। खादी कपड़ों की हो रही है बिक्री, मिल रहा है खादी को बढ़ावा। गोरखपुर महोत्सव में चल रहे पुस्तक मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, पूरे गोरखपुर वासियों ने अपने परिवार के साथ महोत्सव का लिया आनंद। मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर चल रहे खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की मेला घूमने की लगी रही भीड़। मेले में लगे विभिन्न तरह के झूलों, जरूरत के सामान, खाने के सामान की खरीदारी करते नजर आए श्रद्धालु। और लगातार शीतलहर और कोहरे के बाद मंगलवार को निकली कड़ाके की धूप से आम जनमानस को मिली राहत। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, अभी भी ठंड का टेम्परेचर है डाउन, जिससे तबीयत खराब होने की बनी रहती है संभावना। ऊनी कपड़ा पहनकर ही निकले बाहर और रखे अपनी सेहत का ध्यान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर महोत्सव में चल रहे 7 दिवसीय शिल्प मेला का मंगलवार को समापन हुआ, जिसके संबंध में जीडीए वीसी महेंद्र सिंह तवर ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया तथा उसके बाद 17 जनवरी तक लगने वाले शिल्प मेला का भी समापन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार का गोरखपुर महोत्सव सबसे बढ़िया हुआ है। उन्होंने सभी गोरखपुर वासियों को धन्यवाद व्यक्त किया कि सभी लोग पूरे परिवार के साथ महोत्सव में आकर अपना योगदान दिए। वहीं शिल्प मेला के दुकानदारों ने बताया कि इस मेले में ग्राहकों की स्थिति ठीक रही, बिक्री ठीक ठाक हुआ और कहा कि हमारे यहाँ सदरी, कोट, ब्लेजर, मफलर आदि लोगों की मांग रही। वहीं टेराकोटा के दुकानदार ने बताया कि हर साल की तरह इस बार की बिक्री भी अच्छी रही, अच्छा रिस्पांस मिला है। इन 7 दिनों में 60 से 70 हजार का सेल हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की मांग गणेश जी, टेबल, कछुआ, ऊंट, हिरण, म्यूजिक मैन, गुल्लक, हाथी, घोड़ा रही। वही फर्नीचर व्यवसायी ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव के शिल्प मेले में इस बार 4th साल है, लेकिन हर साल की तुलना में इस बार ज़्यादा बिक्री हुई है और इस बार अच्छा रिस्पांस मिला है और उम्मीद करते हैं कि अगले वर्षों में भी ऐसे ही लगता रहे। उन्होंने कहा कि मेरे पास बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल सभी तरह के आइटम मिलते हैं। इस मेले में तमाम तरह के कपड़े, फर्नीचर, पुस्तक, लेडीज आइटम लगे हुए हैं। 17 जनवरी तक लोग इसका लुत्फ उठा पाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकानदार विजय गौतम, आफ्ताब, नितिन कुमार पाल, मोहम्मद गुफरान, सहायक आयुक्त उद्योग रवि कुमार शर्मा एवं जीडीए वीसी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा। चल फिर ये पीछे जाएगा और वो सब बना नु करके लग रहा हां से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो?
जय गौतम परवलिया से किस चीज़ का तेरा कोटा क्या स्पॉन्सर रहा है सात दिनों में बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है इसके पहले से बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है लगभग 70,000 का सेल हो गया किस तरह का आइटम रखे हुए थे ये सभी आइटम है गणेश जी थे फाउंटेन था टेबल था गणेश जी थे कछुआ था बड़ा छोटा कछुआ ऊँट था हिरन था डायनासोर था सभी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हमको कुछ नया इस बार नया में फोए पानी वाला था बढ़िया लोग मान ज़्यादा पानी वाला था गणेश जी से छोटे छोटे गणेश जी थे वो ज़्यादा मांग किए थे कछुआ का छुआ डिमांड था हर आइटम का डिमांड था बढ़िया मतलब रिस्पॉन्स मिला हमें हर साल लगाते हैं कि नहीं अभी तीसरा बार है यहाँ पर जी हम लोग हर जैसे बाहर हर जगह जाते हैं जैसे हैदराबाद हुआ बंगलौर हुआ था अभी गए थे हम यहाँ पर बरेली गए थे हर प्रांत में जाते हैं जी अच्छा मिलता है बढ़िया जी जी विपिन कुमार पाल कहाँ से है हरिद्वार उत्तराखंड किस चीज़ का अपना ये सर सदरी कोट ब्लेजर ये सब है ये सात दिनों में क्या रिस्पॉन्स रहा है ठीक रहा सर 80% ठीक रहा वर्ड जी जी 20% फेल है कस्टमर आ रहे थे जी जी क्या आपने आइटम रखा है आइटम है सर सदरी है ये खादी ग्राम उद्योग का है हरिद्वार खादी ग्राम उद्योग सदरी है कोट है ब्लेजर है लोई है मफलर है तो खत्म हो रहा है हाँ आज लास्ट है सर जी जी अभी कितने की बिक्री जी रेट सर रेट तो सदरी एक पेस्टिंग वाली जो हमारी है वन साइड वाली 1575 है आफ्टर डिस्काउंट और एक रिवर्सेबल है बोथ साइड ट्विड कपड़े में 875 रुपये क्या सबसे ज़्यादा मांगते हैं सबसे ज़्यादा ब्लेजर और पेस्टिंग सदरी चल रही है मफलर ज़्यादा चला है यहाँ पे ठंडी काफ़ी थी ना कोहरा था तो इस वजह से जो है मफलर और ये लोई इस तरह की जो है ओढ़ने वाली शॉल वो काफ़ी चली बुलन की मेरा आफ्ताब नाम है मेरा कहाँ था आप एमपी भोपाल से है मध्य प्रदेश से क्या सात दिनों से आप प्रदर्शन लगाए क्या ठीक है प्रदर्शनी बहुत बढ़िया चला अच्छा चला काम वाम सब अच्छा हुआ मेरा कस्टमर सब आ रहे हैं उनका आइटम है हमारे पास सब कुरेसिया उनका सब उनका आइटम बेचते हैं हम सब कुरेसिया का आइटम है चादर है ये है भालू है सरक है पोछू है बहुत कुछ है हमारे पास ज़्यादा क्या मांगे थे ये सब भालू वाले टॉप बहुत सारे बिक रहे हैं हमारे पूरे मेले में एक ही हमारी दुकान है बस मैं लगाया हूँ रिस्पॉन्स सब अच्छा चला हमारा बहुत बढ़िया चला कितने साल से यहाँ रहे हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पर बुलाया गया हमको भारत सरकार ने मुझे बुलाया है बुलाया गया हमको इसलिए हम अगली बार पहले से पहले आएंगे तीन चार दुकानें लगाएंगे खुश हो जाएंगे अगली बार भी आएंगे जी मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है और हम प्रत्येक वर्ष सहारनपुर से आते हैं हस्तशिल्प प्रदर्शन के लिए बुढ़ा हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर लेकर पिछले वर्षों में भी आए हैं और इस बार भी आए हैं लगभग हमारा 4th साल है और हर साल की तुलना में इस बार भी हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला है हमें और ये महोत्सव जैसे अभी लगा हम ये उम्मीद करते हैं अगले वर्षों में ऐसे ही लगता रहे किस तरह का आइटम आता है हमारे पास में टोटल वुडन हैंडीक्राफ्ट में आइटम आते हैं जैसे फर्नीचर्स होते हैं सोफे बेड डाइनिंग टेबल सभी तरह की चीज़ें हमारे यहाँ लगभग बनती हैं हम लोग पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पे आए थे और इसी के जरिए हम लोग अपना प्रदर्शन करते हैं शिल्प का मैं रवि कुमार शर्मा सहायक उद्योग गोरखपुर देखिए गोरखपुर महोत्सव का समापन हो चुका है गोरखपुर महोत्सव 11, 12, 13 को था लेकिन जो साथ में शिल्प प्रदर्शनी है वो 11 से एक सप्ताह के लिए था जिसका समापन आज है 17 तारीख को जो हमारे यहाँ शिल्पी अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हैं कुछ अलग प्रांतों से भी आए हैं उनका अच्छा अनुभव रहा है उनकी प्रदर्शनी भी हुई साथ साथ उनकी बिक्री भी हुई है सर कैसा रहा रिस्पांस अच्छा रहा लोगों का उनका कहना है कि अगले साल अगर महोत्सव
होगा उनको बताया जाएगा, तो वो फिर इस महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने गोरखपुर महोत्सव का समापन है 11 से 13 तक हमारे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो एक महोत्सव था वो हमारा पूरा बहुत ही विधिवत तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसका समापन किया गया। और उसके बाद में जो हमारा शिल्प मेला है उसको हमने कंटिन्यू रखा था, जो आज 17 तारीख को वो भी आज समाप्त हो रहा है। तो एक बहुत ही भव्य महोत्सव इस बार हुआ है। मैं सभी गोरखपुर वासियों को धन्यवाद भी देता हूँ कि वो उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ में बच्चों के साथ में वो लोग आए और इस महोत्सव को और भी कामयाब करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में तीसरे दिन मंगलवार को भी श्रद्धालुओं की गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लंबी लाइन लगी रही। श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अपनी बारी आने पर गोरखनाथ मंदिर में वर्षों से चली आ रही परंपरागत रूप से गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे थे। गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और गुरु गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाइन में घंटों खड़े होकर इंतजार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है, जिसका विशेष महत्व है। जिसके संबंध में श्रद्धालुओं ने बताया कि हम पिछले 11 वर्षों से गोरखनाथ बाबा के मंदिर में दर्शन करने आते हैं, मंदिर आने के बाद हमें काफी अच्छा लगता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर में आए श्रद्धालु आदित्य, राहुल, क्षितिज, मुन्ना ने कहा, सुनीता चौहान जोली, अगर आप आवाज सुन रहे हो सुनीता चौहान, तो आपके काफी परेशान है, मेला थाने पर आप लोग चले आए। मंजू जी, यदि हमारी आवाज मंदिर के सामने उन्हें बच्चे चित्र पर बैठी है आने, उसे निवेदन है कि आप लोग कृपया अपना सामान साथ ना छोड़े। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बच्चों का हाथ ना छोड़े। जिस गेट से अंदर घुसे हैं उसी गेट पर पहुंचे हैं आप। मेला घूमने जाना है तो मेला एरिया की तरफ जाए प्रस्थान करें। ये गेट नंबर 1, 2, 3, गेट नंबर 2 और 3 पर जो भी श्रद्धालु कविता देवी निवासी घुड़सारी, कविता देवी निवासी घुड़सारी आवाज सुन रही है Thank you.
मेरा नाम सुधीर सनातनी है। हम पिछले 11 वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे जब से आ रहे हैं तब से यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब विकास हुआ है इस साल जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आते हुए। हाँ खिचड़ी चढ़ाया और उसके साथ हमने वो हल्दी चढ़ाया, चावल चढ़ाया, तिल चढ़ाया, अदरक चढ़ाया और भी कच्ची चढ़ाया, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के मन खुश हो जाता है। नहीं हम सारे देश मिल के आए हैं एक साथ में, हम आए बखरा। मेरा नाम सुनील सोलंकी और मैं भवरा से आया हूँ। मैं यहाँ 6 वर्ष से आता हूँ गोरखनाथ खिचड़ी चढ़ाने के लिए। यहाँ का माहौल बहुत आनंददायक है कि हर साल भी मेरा लगता है उस साल और बढ़िया प्रोग्राम है। यहाँ पे घूमने में और आनंद आएगा लोगों से, बस यही कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ आए और आना आनंद ले। हाँ मैंने खिचड़ी चढ़ाया हर साल की खिचड़ी के साथ में, जैसे चावल और हल्दी और तिल लैया चढ़ाया। यहाँ की ये मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज को हर साल खिचड़ी चढ़ाते हैं अपने। मेरा नाम है संगीता प्रजापति। हमारे यहाँ से आ रहे हैं सर, हमको 7-8 साल हो गया आते हुए। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल, बहुत अच्छा है। आप खिचड़ी चढ़ाने आए थे, वही उड़द का दाल, चावल और रहर का दाल वही सब चढ़ाते हैं। गोरखनाथ बाबा बहुत मशहूर है, बहुत अच्छे हैं। क्या मान्यता है? बहुत मान्यता है, बहुत अच्छे हैं। आपने क्या माना? अरे अपने घर परिवार सुखी के लिए मांगे हैं, सब संसार बढ़िया रहे, अच्छा रहे। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं सलीम माधी छपरा ककरा खोर से। आदित्य नाम है, आदित्य सर। कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो हम लोग जैसे कुशीनगर गए हैं तो बचपन से हम लोग आते हैं, उसके पहले हमारे पिताजी आते हैं, आते रहते हैं हम लोग हमेशा घूमने और बाबा का दर्शन करने। काफी अच्छा माहौल लगता है, शांति है यहाँ पे और सुकून प्राप्त होता है। बाबा से अब क्या मांगा, ये तो रहने दीजिए, लेकिन चलिए सबकी कामना पूर्ण हुई। ठीक है, बाबा के पास कुछ मिले ना मिले सुकून जरूर मिलता है और काफी अच्छा वातावरण पहले से अच्छा हो गया है, तो काफी बेहतर है घूमने के लिए परिसर वगैरह। लगभग मुझे जहाँ तक याद है हम तो बचपन से आते रह रहे हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल 3-4 सालों के बाद आए हैं, इस बार अकेले आए हैं? नहीं अकेले नहीं, फैमिली के साथ आए हुए हैं। राहुल नाम है मेरा, जगह थाना से आए हैं। राहुल जी कितने सालों से आप गुरु गोरखनाथ के मंदिर में आ रहे हैं? 2-3 साल से आ रहे हैं हम। और मुझे यहाँ का बहुत बढ़िया मेला लगता है। मुझे यहाँ पे अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं और हमारे 2-3 लोग सारू जी हैं हमारे, हाँ, और हमारी भतीजी आई हुई है, हाँ। और गोरखपुर में बहुत अच्छा लगा घूमकर, मेला देखकर। यहाँ के प्रशासन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक देख कर रहे हैं दूसरे का। और यहाँ का जो खिचड़ी मेला है गोरखपुर का, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हमने चढ़ाया खिचड़ी, चढ़ाया पूरा, चढ़ाया करते हैं। चावल का, मूंग का दाल था और सब था। हाँ बहुत बढ़िया लगा। हमारा नाम दिनेश पांडे है सर। कितने वर्षों से आप यहाँ गोरखनाथ के मंदिर आ रहे हैं? करीब करीब 20-25 साल से ही हम यहाँ पे दर्शन करने आते हैं बाबा गोरखनाथ की धरती पे। हम लोग लोकल के रहने वाले हैं। कैसा लगा है? बहुत रमणीय स्थान है, बहुत यहाँ पे जो मांगा जाए वो मिलता है फल, और बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पे। किसी का है? जी सर। जी मुन्ना गुप्ता सर। कितने सालों से गुरु गोरखनाथ के मंदिर आए? जी सर मैं 20-22 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। कैसा लगता है? जी सर हमको बहुत अच्छा अनुभव होता है, यहाँ आने से मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। क्या मान्यता है यहाँ का? मान्यता है कि जो भी सर यहाँ आकर श्री गोरखनाथ मंदिर अपना मत्था टेका, जो भी मनोकामना रहेगा यहाँ इनके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाता है। खिचड़ी चढ़ाया आपने? जी 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 सर। कहाँ से आए हैं? जी सर मैं देवरिया जिले का रहने वाला हूँ, इस समय मैं मेडिकल कॉलेज में रैन बसेरे में मेरा मैच चलता, मैं वहीं से आया हूँ। पल्लवी गुप्ता। आप पल्लवी जी कितने सालों से आप गोरखनाथ मंदिर आ रही हैं? 20-22 साल से। कैसा लगता है हट भाव? अच्छा लगता है मंदिर। कितने
क्या क्या खाएंगे? दाल चावल आलू हल्दी नमक। क्या मानता है, क्या मानना है आपको गुरु गोरखनाथ? गुरु गोरखनाथ से बस अच्छा लगता है यहाँ पे आना। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मंगलवार तक 62 लाख की बिक्री हो चुकी है, जिसके संबंध में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने बताया कि मंडल स्तरीय प्रदर्शनी अभी चल रही है जो कि 23 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 7 राज्यों के लोग यहाँ आकर अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, जिनकी बिक्री अच्छी चल रही है। प्रतिदिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसके अलावा खादी फैशन शो हो रहा है। उन्होंने कहा खादी कपड़ों का डिमांड बढ़ी है, लोग ज्यादा से ज्यादा खादी कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर फर्नीचर, जूट, कानपुर के जूते, गर्म कपड़े, कश्मीर का ड्राई फ्रूट सहित विभिन्न तरह का स्टॉल लगा हुआ है, जिससे नागरिकों को एक जगह पर सभी तरह की वस्तु मिल जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने वाले व्यापारियों एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने कहा, सर आओ बाजू रही सामंत कहाँ सा कश्मीर से सर जी। इतना यहाँ पर मंडल स्तरीय प्रदर्शनी में आपका स्टॉल लगा, कैसी? बहुत बहुत अच्छी, मतलब खुशी है कि हम गोरखपुर में हम हमारा स्टॉल लगा है जो खादी महोत्सव लग रहा है। हर साल आते हैं, इस साल भी है, लेकिन कम है इस साल, लेकिन फिर भी अच्छा है। ठीक है जी सर। पहली बार आएंगे? नहीं, हर साल आते हैं सर। अभी तक का रिस्पांस कैसा रहा? अभी तो ठीक है, वैसे पिछले मुकाबला देखे तो नॉर्मल ही, लेकिन फिर भी ठीक है। प्रमोद कुमार सर, आर के लेदर प्रोडक्ट कानपुर। यहाँ प्रदर्शनी में आपका स्टॉल लगा है जी, क्या स्थिति है बिक्री? अभी तक तो ठीक है सर, दो दिन से थोड़ा डाउन है। सैटरडे संडे बहुत अच्छा गया था। इससे पहले भी आप आ चुके हैं? जी, पाँचवीं बार आया हूँ मैं सर। बिक्री कितना हो रही है? हाँ, बिक्री बढ़िया होती है। हाँ, ग्राहक भी आते हैं। मेरा नाम रणजीत पन्नू, पंजाब पटियाला। यहाँ पे मंडल स्तरीय प्रदर्शनी में आपका स्टॉल लगा, अभी तक क्या रिस्पांस रहा लोगों का? रिस्पांस माड़ा ही है, मतलब रिस्पांस खराब है, हल्का चल रहा है। ठीक ठाक हो रही है? नहीं, नॉर्मल ही ऐसे चल रहा है। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो सर
काफी सालों से आ रहा हूँ। गोरखपुर में अभी तक कितनी बार स्टॉल? स्टॉल तो 5-6 बार होती है। अभी ठीक ठाक? ठीक ठाक होती है, चलता है। कभी तो कभी पब्लिक पब्लिक पर है, पब्लिक आती है चलती है, नहीं आती तो कैसे चलेगी। मेरा नाम एके पाल है, मैं यहाँ जिला ग्राम उद्योग अधिकारी हूँ और परिषद का भी प्रभार देख रहा हूँ। मंडल स्तरीय प्रदर्शनी लगाई है, अभी तक क्या रिस्पॉन्स है? मंडल स्तरीय प्रदर्शनी जो हमारी जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर में चल रही है, 7 तारीख से 21 तारीख को इसका समापन है। इसमें जो है विभिन्न प्रांतों के लोग आए हैं, करीब 6-7 प्रांतों के लोग उद्यमी अपना आए हुए हैं, अपना बिक्री कर रहे हैं और प्रदर्शनी बड़ी अच्छी चल रही है। अब तक जो है इसमें 62 लाख रुपये तक की बिक्री हो गई है कल तक, और रोज़ कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं सूचना विभाग द्वारा निःशुल्क, और शाम को भी आरजे नवीन जी द्वारा जो है एक निःशुल्क कार्यक्रम रोज़ कुछ न कुछ होता है, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम। कल जैसे फैशन शो था, आज भी फैशन शो है बच्चियों का, 20-22 बच्चियाँ थी, फेमिना ग्रुप के हिसाब के द्वारा जो है कराया गया था। प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता, 2 दिन का सम्मेलन भी हुआ था। यही अपना खादी प्रदर्शनी जो है विशेष अहमता इसमें डिमांड रहती है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा? अच्छा रिस्पांस रहा यहाँ पर, चूँकि खादी के कपड़े जो है अब जाएंगे दुकान पर लोग लेने के, कोई एक दुकान मिलेगी। यहाँ पर कई जगह की दुकानें आई हुई हैं तो अपने पसंद के हिसाब से वो ले लेते हैं। मोटी खादी, पतली खादी, सब ऊनी खादी सब लगे हुए हैं यहाँ पर, लोग स्टॉल लगाए हुए हैं। और यह एक तरह का संगम है खादी का, खादी में कोई लकड़ी में का काम करता है उसका फर्नीचर वगैरह लगा है, सहारनपुर से आए हुए हैं, और कोई जूट बैग बनाता वो भी आए हुए हैं। इसके लिए अलग अलग जगह जाना पड़ेगा लोगों को, लेकिन यहाँ पर एक जगह जो है, इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है कि हमारे जो उद्यमी लोग हैं जो वित्त पोषित हैं उनके द्वारा उत्पाद जो है एक जगह इकट्ठा होकर मिलें और एक दूसरे को देख करके उनके अंदर जो है यह भी भावना आएगी कि कैसे हम अपने माल का सुधार कर सकते हैं या कैसे पैकेजिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। गोरखपुर महोत्सव में चल रहे पुस्तक मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि हर साल गोरखपुर महोत्सव मनाया जाता है जिसमें पुस्तक मेला का भी आयोजन किया जाता है। इसका मंगलवार को समापन किया गया है जिसमें उत्तराखंड, जयपुर, राजस्थान, बाकी जगहों से तमाम व्यवसायी आए जिनके उत्कृष्ट कार्य करने पर मेरे द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि पुस्तक मेला में तमाम तरह के स्टॉल लगे हुए थे, उन स्टॉलों पर गोरखपुरवासी जाकर पुस्तक खरीद रहे थे। यह गोरखपुर महोत्सव लोगों में एक संदेश देने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव में पूरे गोरखपुरवासी अपने परिवार के साथ जाकर महोत्सव का आनंद लिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा जितने भी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हैं उनको योगी जी ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है और शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा सड़कें चौड़ी हो गई हैं। गोरखपुर की पहचान माफियाओं से होती थी, आज योगी सरकार ने माफियाओं को दबाकर गोरखपुर में एक अच्छी व्यवस्था की है, और यही नहीं पूरे प्रदेश में योगी जी के डर से पूरे माफिया कांपते हैं। इस अवसर पर सीआरओ सुनील गौड़ एवं पर्यटन अधिकारी सहित पुस्तक व्यवसायी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, इस कार्यक्रम में सभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम हो रहा है, उनके द्वारा आज वर्ष 2017 से अनवरत माननीय पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार पर्यटन और संस्कृति सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए ये गोरखपुर महोत्सव का आयोजन कराया जाता आ रहा है सर। और प्रत्येक वर्ष ये आप सबके आशीर्वाद से मार्गदर्शन से सर ये बहुत ही भव्यता से होता आया है सर। विगत वर्ष आचार संहिता की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाए थे सर, में इस वर्ष आप सब लोगों के निर्देश थे सर में इसको भव्यता से किए जाने हैं सर, और आप सबके मार्गदर्शन में आशीर्वाद से सर में इसको भव्यता से किए जाने का प्रयास किया गया है सर जो है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होती है सर, कहीं ना कोई कमी रहती है सर में, क्योंकि इस बीच में निर्वाचन के भी कार्यक्रम थे सर जो है, अन्य भी शासकीय कार्य थे सर, और इन सबको देखते हुए सर प्रयास ये किया गया कि इसको भव्यता से करें सर। और ख़ासतौर से सर मैं माननीय विधायक जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि रात को मैंने अचानक से जिलाधिकारी महोदय के अपेक्षानुसार अनुरोध किया और अपने व्यस्ततम समय से, माननीय विधायक जी को कहीं जाना था और मैंने आपसे अनुरोध किया, आपने अपने व्यस्ततम समय से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं सर, और आजीवन हम लोग महोत्सव समिति आभारी रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ सर कि आगामी वर्षों में भी सर
इस गोरखपुर महोत्सव का आयोजन बहुत ही भव्यता से हम करेंगे सर, और आपके मार्गदर्शन भी लूँगा सर। अगर विगत वर्षों में इस वर्ष भी सर जो कार्यक्रम में कहीं कोई त्रुटि हुई तो आपसे मार्गदर्शन लूँगा सर। माननीय विधायक जी और मुख्य है सर राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली जसवंत राव जी जसवंत जिला दिल्ली की लखनऊ माननीय अतिथि बैटरी डेंडल बुक सेंटर का ये जो भव्य आयोजन हुआ है इसमें सभी प्रकाशक साथी हमारे और आने वाले समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद सर। अब मैं मेला चला है उसमें किसी भी भाग का भी स्टॉल लगा हुआ था देखिए गोरखपुर महोत्सव में हमारे यशस्वी पुत्र मुख्यमंत्री पूज महाराज जी के आदेशानुसार हर साल गोरखपुर महोत्सव मनाया जाता है। अब की साल चूँकि ठंड भी ज़्यादा थी लेकिन गोरखपुर महोत्सव में जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ उस दिन से इंद्रदेव भी खुश हुए और धूप लगातार गोरखपुर में होती रही। आज पुस्तक मेले का समापन हो रहा है, यहाँ दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड जयपुर राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश से तमाम हमारे पुस्तक व्यवसायी यहाँ आए थे, उनके तमाम स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ गोरखपुर वासी उन स्टॉलों पर जा कर के जो समझ में पुस्तकें भी खरीदे और निश्चित है एक संदेश देने के लिए यह महोत्सव होता है और गोरखपुर वासियों के लिए तीन चार दिन इतना अच्छा रहा कि सब लोग यहाँ इंजॉय भी किए। तमाम हमारे सिंगर उंगर आए मुंबई से तो उसका भी आनंद लिए और यहाँ पर इसी बीच में बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाने का बहुत से लोगों को अवसर मिला मकर संक्रांति के अवसर पर। और निश्चित है ऐसे कार्यक्रम हमारे हर साल होते आए हैं और होते रहेंगे और गोरखपुर जितना तेज़ी से विकास कर रहा है यह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की देन है कि जिस गोरखपुर में सिर्फ गंदगी का अंबार रहता था यहाँ पर तमाम जलकुंभी इस रामगढ़ ताल में हुआ करती थी, आज यह हमारा रामगढ़ ताल जो है मुंबई के जुहू चौपाटी को भी टक्कर दे रहा है सफाई के मामले में और स्वच्छता के मामले में और लाखों लाख लोग नए साल पर यहाँ पर इंजॉय करने परिवार सहित आए। यहीं पर आपका चिड़ियाघर भी बन गया है करीब 350 करोड़ रुपए से, वहाँ भी हमारे शहर के लोग परिवार सहित गए और इंजॉय किए। इस तरह से गोरखपुर में चौमुखी विकास हो रहा है हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। जितना योगी जी के सरकार में 5 सालों में छठा साल चल रहा है जितना काम गोरखपुर में हुआ है, गोरखपुर के शहर के अंदर की देखें पर्यटन के दृष्टिकोण से कि हमारे जितने भी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल थे उसको योगी जी ने बहुत ही सुंदर बनवा दिया है। शहर के अंदर करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें हमारी चौड़ी हो गई हैं और योगी जी का मेन उद्देश्य है कि हमारा गोरखपुर सेंटर पड़ता है, चाहे यहाँ से बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करना हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नगरी अयोध्या जी में जा करके प्रभु श्री राम का बजरंगबली का दर्शन करना हो और चाहे भगवान बुद्ध की पूर्णिमान स्थली कुशीनगर जा कर के उनसे आशीर्वाद लेना हो, हमारा नेपाल भी बहुत मित्र राष्ट्र है वह भी यहाँ से बहुत करीब पड़ता है। तो कुल मिला के योगी जी का उद्देश्य है कि गोरखपुर को इतना डेवलप कर दिया जाए कि यहाँ से राजस्व लोग पर्यटक आएंगे तभी राजस्व मिलना है। हमारे प्रदेश में इसका अभाव था लेकिन योगी जी 5 सालों में बहुत कुछ कर दिए हैं और निश्चित है गोरखपुर की अलग पहचान बनती जा रही है। जहां पहले गोरखपुर की पहचान माफियाओं के रूप में होती थी आज योगी जी ने माफियाओं को भी दबा करके गोरखपुर में ऐसी व्यवस्था दी है, यही नहीं उत्तर प्रदेश में माफिया भी थर थर काँप रहे योगी जी के राज में और हमारी जनता हमारे हर वर्ग के लोग आराम से चैन से अपने घरों में सो रहे हैं। और निश्चित हम जितने भी व्यवसायी आए हैं हमारे साथी उनको पुनः आग्रह करेंगे आप पुनः गोरखपुर अगले साल आइए, अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हम गोरखपुर वासियों की तरफ से आप लोगों से क्षमा मांगे, यही आपसे कहना था।
मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की मेला घूमने की भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि श्रद्धालु दर्शन करने के बाद मेले का खूब आनंद उठाते हुए दिखे, जहां मेले के अंदर श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की और खिचड़ी मेले में बिकने वाले खोए के खाजे की खरीदारी की। वहीं महिलाओं ने घर की जरूरत के सामान और ज्वेलरी के सामान की भी खरीदारी की। वहीं मेले में लगे चाट पकौड़ी समोसा की दुकानों पर लोग खाते नजर आए। पुरुष बच्चे महिलाएं तथा वृद्ध भी खिचड़ी मेले का जमकर लुत्फ उठाते हुए दिखे, जिसके संबंध में गोरखनाथ में मेला के दुकानदारों ने बताया कि हम लोग कानपुर से आए हुए हैं और तकरीबन 25 सालों से यहां खाजा की दुकान लगा रहे हैं। दुकानों में ग्राहक आते हैं और खाजा की खरीदारी करते हैं। उन्होंने बताया कि हम सुबह से लेकर रात तक जब तक मेला चलता है तब तक दुकान लगाते हैं और तकरीबन 1.5 महीने तक हमारी दुकान यहाँ पर रहती है। वही मेले में लगी तेल राहत रूह की दुकान, फोटो स्टूडियो भी लगा हुआ था, जहाँ नुमाइश के लिए तरह तरह की चीजें लगी थी, जैसे पानी का झरना, दुर्गा मंदिर, झूला, बाइक। यहाँ लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। दुकानदारों ने कहा कि हम लोग करीब 20 सालों से यहाँ स्टूडियो मेले में लगा रहे हैं, लोग आते हैं हमारे यहाँ फोटो खिंचवाते हैं, हम लोगों को अर्जेंट में भी फोटो बनाकर दे देते हैं, जिसका 30 रुपए और 40 रुपए रेट है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने कहा, यदि किसी सज्जन को कहीं भटकते हुए दिखाई दे तो उन्हें हनुमान मंदिर के सामने भोले भट्ट के कैंप पर पहुंचाने शांति और पूजा, शांति और पूजा जो परशुरामपुर से आए हैं राम सुचित। Oh,
बल्लियों को पकड़ करके बिल्कुल खड़े हैं। थोड़ा श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाइए, टोकिए। इंदर गर्भगृह परिक्रमा, परिक्रमा में लाउड हेलर वाले थोड़ा तेजी से बढ़ाएं। सप्तम शुक्ला तो नया नगरी वर्तन सेठ जी की है, उनका नाम सुरेंद्र। कितने सालों से आप यहाँ मकर संक्रांति में दुकान लगाते हैं? यहाँ लगाते लगाते हो गया 25 साल। क्या क्या क्वालिटी होती है इसकी? इसका चार क्वालिटी होती है, मीठा फीका नमकीन खोए का। क्या रेट के खाते हैं आप? रेट के 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का है। कितनी बिक्री हो जाती है जी? बिक्री जैसे पब्लिक के हिसाब से, जैसी पब्लिक आती है वैसी। कितनी पब्लिक आती है? पब्लिक तो खूब आती है, काफी मेले में दुकानें भी हैं, सामान निकल जाता है आपका। हाँ, जितना बनाते उतना बिक जाता है। कब तक दुकान लगाएंगे? लगाएंगे 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक कहाँ से आए हैं? कानपुर, मुंबई में है, कानपुर से। कितने वर्षों से आप यहाँ कृषि के मेले में? 14 साल से। 14 साल से लगाते हैं हम यहाँ। किस चीज की दुकान लगाते हैं? लेडीज एंड जेंट्स चप्पल। तो क्या ये बिक्री होती है, कस्टमर आते हैं? कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे, थोड़े बहुत जो भी ऊपर वाला चाहेगा वही आएगा। कितने बजे से कितने बजे तक दुकान चलती है? सुबह 8 से 9। और क्या रेट के होंगे चप्पल? 120, 150, 200। कब से लगाए हैं दुकान? सुबह से, मेले की शुरुआत से। हाँ, शुरू से आते हैं, 1 तारीख को आ जाते हैं। कब तक रहेगी दुकान? शिवरात्रि तक। हमारा नाम अरविंद रवि सन, एक सन्नी के नाम से लोग जानते हैं। किस तरह का ये प्रचार कर रहे हैं और कब से लगा रहे हैं? ये जैसे 1881 से इस तेल का शुरू हुआ और तब से ये हर साल गोरखनाथ मेले में इसका स्टॉल लगता है, प्रचार कंपनी द्वारा लगता है और एक सीसी कंपनी हर साल तब तक प्रचार में फ्री देती है, जिससे लोग इस तेल से प्रभावित होकर के आवे और इस तेल को लगाना सोचे समझे। और ये तेल जो है पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में ये बिकता है। और जैसे कि सिर दर्द, बदन दर्द, कपारी, चक्कर आना, चोट मोट, हड्डा बिच्छी, दर्रा, मार देट, जल जाए, कट जाए, मैंने ये जल्दी आपके घर का ये तेल डॉक्टर है, उसी का नाम है तेल मिजादी है। क्या रेट का है ये? जैसे 500 ग्राम आप लेंगे 350 रुपये का, तो 160 रुपये अगर उसके साथ फ्री मिलता है। और 160 रुपये अगर आप 200 ग्राम लेंगे तो 90 रुपये का 100 ग्राम तेल आपको फ्री मिलेगा। बिक्री होती है? बिक्री कोई खास नहीं है, पब्लिसिटी के द्वारा हमें बैठा रहता है, बिक्री कोई खास नहीं है। कब से लगा रही है ये? हम जैसे खिचड़ी का मेला चालू होता है जिस दिन से, उसी दिन से। और ऐसा तो ये तो रहा है अभी 1.5 महीने का मेला। और ऐसा तो जब से इस तेल का उत्पादन हुआ तब से ये हर साल इस मेले में 100 साल से ऊपर हो गया जो स्टॉल लगता है। कहाँ से आया? ये हरबंश श्री राम भगवान दास गली है, घंटाघर, वही से ये दुकान लगती है। विजय कुमार जयसवाल। विजय जी, कितने सालों से गोरखनाथ मंदिर? हमारे 35 साल से। दुकान कितने सालों से आ रहे हैं? 35 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ जो स्टूडियो आपने बोला है वहाँ बिक्री होती है, मतलब कस्टमर आते हैं? हाँ, बड़ा वो आते हैं, बिना लिखा आते हैं। क्या रेट है? 40 रुपया। 40 रुपया काफी जी, हर वर्ष फ्री लगती है? हाँ सर। कहाँ से है? कानपुर से। और किस तरह का यहाँ मतलब है फोटो की जगह पर? सभी देखी हुई सर है, गमला है, झूला है, गाड़ी है, ये गार्डन है, झरना है, डील है, चांद है, महता जी है, बिट्टू वाली झूला है, बोलू कश्यप। और बोलू जी, यहाँ कितने कार्यकर्ता आ रहे हैं? हम यहाँ आ रहे हैं स्टूडियो में 10-12 सालों से गोरखनाथ मंदिर में आ रहे हैं। हमारा स्टूडियो लगता है अंजुमन फोटो स्टूडियो, यहाँ पे कम से कम रोजाना सेल होती है, 200-150 फोटो खींचती है रोज। और हमारा इसमें फोटो खींचने का काम है। 40 रुपये कापी है, तुरंत अर्जेंट में बनती है।
वैसे तो 30 रुपए वाली कल मिलती है, लेकिन अब अर्जेंट का काम है तो अर्जेंट सब मांगते हैं तो अर्जेंट ही बिकती है। बाइक लगी हुई है, ये गार्डन लगा हुआ है, ये दिल लगा हुआ है, झरना पानी वाला, ये सब बच्चों की गाड़ी वगैरह ये सब है। जनपद में ठंड बढ़ने के बाद मंगलवार को निकली कड़ाके की धूप से लोगों को राहत मिली, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मौसम फिलहाल ठीक हो रहा है, हर रोज धूप निकल रही है, सुबह और रात में अभी भी ठंड का टेम्परेचर डाउन है, जिससे तबीयत खराब होने की संभावना रहती है। लोग सुबह और शाम जैकेट स्वेटर पहनते हैं, लेकिन दोपहर में धूप निकलते ही ऊनी वस्त्र निकाल दे रहे हैं, जिससे खांसी सर्दी बुखार जैसी बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि घर से बाहर निकलते हैं तो ऊनी कपड़ा पहनकर निकले, और कहा कि अगले दिनों तक रात में ठंड और दिन में धूप जैसी स्थिति बनी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम धीरे धीरे ठीक हो रहा है, दिन में धूप निकल रही है, लेकिन रात में अभी भी टेम्परेचर डाउन है। तो मेरा अनुरोध है कि जो लोग रात्रि में कम कपड़ों में बाहर निकल रहे हों, या ऐसा सोच रहे हों कि दिन में धूप हो गई तो रात भी ठीक रहेगी, तो ऐसा अभी अगले 2-3 दिनों तक जैसा फोरकास्टिंग दिखाई पड़ रही है तो रात्रि में अभी ठंड रहेगी, और यदि आप बाहर निकल रहे हों तो पूरे बचाव के साथ ही बाहर निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नैक मूल्यांकन में गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिले नैक की 8++ रैंक, सीएम योगी ने दी बधाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय को 8++ ग्रेड मिलने पर गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट पर अध्यापकों व छात्रों द्वारा कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह का माल्यार्पण कर किया गया भव्य स्वागत। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय को 8++ ग्रेड मिलने से मिलेगी तमाम तरह की सुविधाएं। शातिर अपराधी भोला यादव उर्फ अखिलेश यादव की 50 लाख रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत पीपीगंज थाने की पुलिस ने कुर्क कर किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। मजदूर व सब्जी विक्रेता बनकर क्षेत्र में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को बड़हलगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 26 मोबाइल फोन, 1 सोने की अंगूठी, 4,750 रुपए नकद किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। विद्यालयों के सफल संचालन हेतु मंडल स्तर पर गठित मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक मंडल रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में साकुशल हुआ संपन्न। कहा, सहजनवा ब्लॉक में नवोदय की तर्ज पर सीबीएसई पैटर्न पर अटल आवासीय विद्यालय का हो रहा है निर्माण। कोरोना काल में मृत श्रमिकों के अनाथ बच्चों को दिया जाएगा दाखिला, मिलेगी अच्छी शिक्षा। के आरोप में वांछित अभियुक्त अर्जुन निषाद को बेलीपार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। गोरखपुर महोत्सव में चल रहे 7 दिवसीय शिल्प मेले का मंगलवार को हुआ समापन। दुकानदारों ने बताया, हर साल की तरह इस बार बिक्री में मिला अच्छा रिस्पांस। डीडीएवीसी महेंद्र सिंह तंवर ने सभी गोरखपुर वासियों को व्यक्त किया धन्यवाद। कहा, गोरखपुर महोत्सव 2023 हुआ है सबसे बढ़िया। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की लंबी लगी रही लाइन। श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को चढ़ाया खिचड़ी। कहा, खिचड़ी चढ़ाने से गुरु गोरखनाथ पूरी करते हैं मनोकामना। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मंगलवार तक 62 लाख की हो चुकी है बिक्री। खादी कपड़ों की हो रही है बिक्री, मिल रहा है खादी को बढ़ावा। गोरखपुर
गोरखपुर महोत्सव में चल रहे पुस्तक मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, पूरे गोरखपुर वासियों ने अपने परिवार के साथ महोत्सव का लिया आनंद। मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर चल रहे खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की मेला घूमने की लगी रही भीड़। मेले में लगे विभिन्न तरह के झूलों, जरूरत के सामान, खाने के सामान की खरीदारी करते नजर आए श्रद्धालु। और लगातार शीतलहर और कोहरे के बाद मंगलवार को निकली कड़ाके की धूप से आम जनमानस को मिली राहत। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, अभी भी ठंड का टेम्परेचर है डाउन, जिससे तबीयत खराब होने की बनी रहती है संभावना। ऊनी कपड़ा पहनकर ही निकले बाहर और रखे अपनी सेहत का ध्यान। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।